हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अगर आप लोग भी थायराइड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज से ही आप लोग इन पांच फ्रूट्स को खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग आज से ही इन पांच फ्रूट्स को खाना शुरू करेंगे तो आपकी ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता होगा ही, हमारे देश में 50% लोग थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, और ये प्रॉब्लम क्यों होती है वो आप सभी लोगों को पता है। इस प्रॉब्लम को होने से आपके शरीर में काफी सारे बदलाव आ जाते हैं, आपको काफी सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, आपके शरीर में काफी सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को दूर करने के, मतलब काफी हद तक, एकदम से ये प्रॉब्लम दूर तो नहीं हो सकती है, लेकिन आप लोग काफी हद तक इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इन पांच फ्रूट्स को खाके। जी फ्रेंड्स, ये पांच ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपके बड़े हुए थायराइड को कंट्रोल करेगी, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर देगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन से वो पांच फूड हैं जो आप लोगों को खाने हैं। तो सबसे पहला फूड है ब्राजील नट्स। कुरकुरे और स्वादिष्ट ब्राजील नट्स सेलेनियम से भरपूर होते हैं, जो थायराइड से पीड़ित होने पर काफी प्रभावी और फायदेमंद होते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ब्राजील नट्स में 68 से 91 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है, इसीलिए थायराइड वालों को बस हर दिन 2 से 4 ब्राजील नट्स का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपके शरीर की दैनिक सेलेनियम की जरूरत पूरी हो जाती है। वहीं दूसरी चीज जो आप लोगों ने लेनी है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां आपके शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा हरी सब्जियों में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटोनाइड भरपूर मात्रा में लोडेड होता है, जो कि आपके शरीर को किसी भी फ्री रेडिकल्स की से बचाता है। तो दूसरी चीज आप लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है। वहीं गाइस, तीसरी चीज जो आप लोगों को लेनी है वो है एवोकाडो। एवोकाडो एक ऐसा फल है जो कि फाइटोन्यूट्रिशन से भरपूर है। एवोकाडो पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिशन का भी एक बहुत ही बड़ा स्रोत है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और थायराइड ग्रंथि के बेहतर कार्य करने के लिए हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए आप लोग रोजाना 1 से 2 एवोकाडो का सेवन सलाद के तौर पर कर सकते हैं। वहीं गाइस, चौथी चीज जो आप लोगों को लेनी है वो है मछली। मछली जैसे सैल्मन, ट्राउन, ट्यूना या सार्डिन, ये ऐसी मछलियां हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होती है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है और हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है। हमें हृदय रोग यानी कि हमें हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है उसे कम करने में मदद करता है, और मछली सेलेनियम का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो इसीलिए अगर आप लोग थायराइड के पेशेंट है तो आप लोगों को मछली का भी सेवन करना चाहिए। वहीं गाइस, पांचवी चीज जो आप लोगों को लेनी है वो है अंडा। अंडा आयोडीन और सेलेनियम का एक भरपूर अच्छा स्रोत है, जो कि थायराइड सहायक पोषक तत्व है। एक अंडे में 20% सेलेनियम और 15% आयोडीन होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के बेहतर कामकाज के लिए हमारे शरीर की रोजाना की आवश्यकता पूरी करती है। इसीलिए आप लोगों को अपनी डाइट में अंडा भी लेना चाहिए। सो गाइस, ये थे वो पांच फूड जो कि आप लोगों ने थायराइड में रोजाना लेना है। अगर आप लोग भी थायराइड के पेशेंट हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि कौन सी चीजें आप लोगों को खानी चाहिए, तो ये पांच चीजें आप लोगों के लिए बेस्ट हैं। आप लोग इन पांचों चीजों को फॉलो कीजिए, आप लोग खुद ब खुद देखेंगे 1 मंथ में आपका थायराइड काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरी बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज, मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।